सबसे बड़ा सवाल, क्या हम होम्योपैथी को एलोपैथी के साथ में ले सकते हैं या नहीं? आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इस सवाल से रिलेटेड। जितनी भी आपके कंफ्यूजन्स हैं, जितने भी मिथ हैं आपके, जितने भी गलत फहमियां हैं, इस वीडियो में हम शेयर करेंगे और इनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि होम्योपैथी एक दुनिया के दूसरे नंबर की एक ऐसी मेडिकल चिकित्सा पद्धति है जो सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पर लोकप्रिय है। तो आज के इस वीडियो में होम्योपैथी और एलोपैथी की मेडिसिन्स को साथ में हम ले सकते हैं या नहीं, इस सारे मिथ्स को क्लियर करेंगे। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप अगर हमारे नए चैनल पर नहीं गए हैं तो नए चैनल का नाम है डॉक्टर लोकेंद्र ब्लॉग, आप वहां पर भी आप जा सकते हैं, उसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। वहां भी हम अच्छे से पोस्ट और आने वाले फ्यूचर में वहां पर मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं जो मेडिकल स्टूडेंट से रिलेटेड और काफ़ी ऐसे पेशेंट हैं जो एलोपैथी से रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट वहां पर मैं करने वाला हूं और वहां पर रेगुलरली वीडियो पोस्ट होते रहेंगे। तो यहाँ पर समझते हैं कि एलोपैथी और होम्योपैथी के साथ में क्या मेडिसिन ले सकते हैं या नहीं। देखिए क्या होता है कि कई बार हम छोटी छोटी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और हमारी कोई बड़ी बीमारी की मेडिसिन एलोपैथी की चल रही होती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ वगैरह है, ठीक है, या फिर कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको अल्जाइमर्स की मेडिसिन चल रही है, या फिर कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ब्रेन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, ऐसी मेडिसिन चल रही है। तो क्या उन मरीजों को होम्योपैथी मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो देखिए सबसे पहले ये समझिएगा कि होम्योपैथी मेडिसिन क्या है, ये कहाँ से बनती है। एक सबसे बड़ा मिथ होता है होम्योपैथी मेडिसिन को लेकर के कि होम्योपैथी मेडिसिन काम नहीं करती। देखिए इसकी प्रोसेस समझिएगा, जो हमारा आयुर्वेद है ये हजारों वर्षों पुराना है, ठीक है, और इसी तरीके से जो हमारा होम्योपैथ है, तो होम्योपैथी में होता क्या है, जो आयुर्वेद में हमने नीम से जो मेडिसिन बनाई और उसी नीम से हम होम्योपैथी में भी मेडिसिन बना रहे हैं, राइट, कोई डिफरेंस नहीं है, केवल बनाने का तरीका अलग है। वहां पर वो अलग तरीके से बनाते हैं, यहां पर हम पोटेंटाइजेशन करके बनाते हैं, ठीक है। दूसरा, अब एलोपैथी में क्या है, तो एलोपैथी में क्या है कि जो मेडिसिन नीम से उन्होंने बनाई, जो उसका केमिकल प्रोसेस बनी, तो वो केमिकल प्रोसेस से उन्होंने एलोपैथी में आर्टिफिशियल एक केमिकल बनाया और उसको उन्होंने ऐड करके एक मेडिसिन बना दी। मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है, एग्जैक्ट तो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंतर तीनों पैथियों में है, लेकिन जो मेडिसिन है जो आयुर्वेदा में है, जो आयुर्वेदा से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है, तो आयुर्वेदा से सिमिलर मेडिसिन होम्योपैथी में हम यूज करते हैं। अब एक बात आती है कि होम्योपैथी किसने बनाई थी, तो होम्योपैथी जिसने बनाई थी वो बहुत बड़े एलोपैथी के डॉक्टर थे, बहुत बड़े एलोपैथी के डॉक्टर थे, और जब उनके बेटे का निधन हुआ तो एलोपैथी से वो अपने बेटे को नहीं बचा पाए थे, तो ऐसे सिचुएशन में उनका जो ब्रेन था, जो उनका दिमाग था, काम करना बंद किया। उन्होंने कहा कि जब मैं एलोपैथी से इतना बड़ा डॉक्टर होने के बावजूद अपने बेटे का जो रिकवरी है वो नहीं कर पाया, अपने बेटे की जान नहीं बचा पाया, तो फिर ये जो मेडिसिनल सिस्टम है ये किस मतलब का है, ठीक है। तो इसलिए वो डाइवर्ट कहाँ पर हुए, समान से समान चिकित्सा, यानी कि उन्होंने ही जो एलोपैथी के बहुत बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर हैनीमन जिनका नाम था, वो एलोपैथी से छोड़ करके होम्योपैथी में टर्न हुए, ठीक है। तो होम्योपैथी उन्होंने बनाया था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो सोचिए कि वो कितने बड़े एलोपैथी के डॉक्टर थे जिन्होंने होम्योपैथी को जन्म दिया, ठीक है। तो होम्योपैथी गलत नहीं हो सकती, इस बात को हमें सोचना पड़ेगा। और होम्योपैथी की मेडिसिंस जो पावर है वो आयुर्वेदा से ली जाती है, कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। हालांकि इसके अलावा भी कई सारे ऐसे सोर्सेस होते हैं, एनिमल किंगडम है, मिनरल किंगडम्स हैं, ठीक है, काफ़ी ऐसे सोर्सेस हैं जिनसे हम मेडिसिंस को बनाते हैं। अब बात करते हैं कि
होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती हैं क्या उन्हें यूज करना चाहिए। देखिए, कोई भी मेडिसिन है, क्या आप आयुर्वेदा की मेडिसिन को यूज करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन के साथ में? क्यों? देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। किसी पेशेंट को अगर डेंगू होता है, किसी पेशेंट को अगर वो डेंगू होता है और डेंगू में आप देखते हैं कि ड्रिप, आईवी ड्रिप वगैरह लगाते हैं एलोपैथिक के चिकित्सक जो होते हैं, वो सारी के सारी अंग्रेजी मेडिसिन चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर कई बार क्या होता है, कैरिका पपाया एक प्रोडक्ट आता है, आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, कैरिका पपाया की टैबलेट्स आती है, वो टोटली टोटली आयुर्वेदिक डेरिवेटिव्स फॉर्म होता है, ठीक है, यानी कि आयुर्वेदिक से ही सारी मेडिसिंस बनती है उसके अंदर जो कैरिका पपाया है, ठीक है। तो कैरिका पपाया की टेबलेट्स आपको यूज करने के लिए देते हैं, तो वहां पर आप यूज कर रहे हैं और यहां पर आप कह रहे हैं कि आप यूज नहीं कर सकते, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो यहां पर भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्ड से थोड़ा सा डिफरेंस आप रखिएगा। देखिए, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एलोपैथी, तीनों मेडिसिन बड़े सिस्टम हैं, तीनों ही बहुत ज़्यादा लोकप्रिय सिस्टम हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एलोपैथी को सर्वश्रेष्ठ जो माना गया है वो सर्जरी के लिए, अगर किसी बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है, जैसे गॉल स्टोन हो गया, वो नहीं निकल रहा है, नहीं डिजॉल्व हो रहा है, तो उसके लिए आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। किडनी स्टोन हो गया, अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, अगर किडनी स्टोन उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, तो क्या करेगा बेचारा? किडनी स्टोन उसको निकलवाना पड़ेगा, सर्जरी करवानी पड़ेगी, ठीक है। या प्रोस्टेट है, ठीक है, हाइपरट्रॉफी हो गई, ठीक है, और वो नहीं नॉर्मल आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कैंसर की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको सर्जरी करानी ही पड़ेगी, ठीक है। या और कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसमें सर्जरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, जैसे किसी को हार्ट अटैक आया, अब आप होम्योपैथी के पास जाएं या आयुर्वेदा के पास जाएं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपको, आप जितना जल्दी हो सकते हैं एलोपैथी के पास चले जाइए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो स्टेंट डाल के आपको ठीक कर सकते हैं, ठीक है, एंजियोग्राफी कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी करके आपको ठीक कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम होम्योपैथी और आयुर्वेदा में अभी अलाउड नहीं है, ठीक है। अब एक बात पकड़िएगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि क्यों हार्ट अटैक हो गया तो होम्योपैथी या एलोपैथिक पास जाइए ना, ये सब ठीक कर देंगे, हमारे पास मत आइए, तो इसका एक सबसे बड़ा कॉमन साइड इफेक्ट समझिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया है, अभी से नहीं है, ये बहुत पुराना है, इसने ये सारी प्रोसीजर करने के लिए अलाउड नहीं है, और पढ़ते समय होम्योपैथी भी पढ़ता है, आयुर्वेदा भी पढ़ता है, एलोपैथिक वाले भी पढ़ते हैं, तो तीनों सिस्टम की किताबें जो हैं, बुक्स जो हैं, सेम हैं, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भाई अब लिवर है तो लिवर हमें भी पढ़ना है, उनको भी पढ़ना है, और आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ना है, तो यहाँ पर डिफरेंस कैसे कर सकते हैं हम? ठीक है, ब्रेन है, एक ही होता है, ठीक है, तो ब्रेन को हम भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मेडिसिनल सिस्टम ही तो अलग हुआ है केवल, बाकी कोई अंतर नहीं है, पढ़ाई एक ही है, ठीक है, ये कन्फ्यूजन दूर हुआ। दूसरा, जो प्रोसीजर्स हैं, जैसे एंजियोप्लास्टी है, ये हमारे यहाँ अलाउड नहीं होती है, आयुर्वेदा होम्योपैथी में अलाउड नहीं है, बाकी जो नीचे जितने भी सिस्टम्स हैं उनमें भी अलाउड नहीं है, केवल एलोपैथी में अलाउड है। दूसरा, जो सर्जरी है वो एलोपैथी में अलाउड है, ये दो सिस्टम्स में अलाउड नहीं है, लेकिन जो आयुर्वेदिक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शायद अलाउड होने जा रहा है और हो भी चुका है काफ़ी स्टेट्स में, ठीक है। तो ये प्रोसेस होम्योपैथी के लिए भी है, धीरे धीरे होम्योपैथी में भी ये प्रोसीजर्स आ जाएंगे, ठीक है, तो दूसरा कन्फ्यूजन क्लियर है। तीसरा कन्फ्यूजन कि होम्योपैथी की मेडिसिन आप ले सकते हैं, थोड़ा सा आपको गैप रखना चाहिए, जैसे कि 10-5 मिनट का गैप रख लीजिए, या फिर और अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो कम से कम 1 घंटे का गैप रख लीजिएगा, ठीक है। तो कॉमनली आपको थोड़ा सा अंतर रखना चाहिए, चाहे वो आयुर्वेदिक की मेडिसिन हो, चाहे एलोपैथिक की मेडिसिन हो, चाहे होम्योपैथिक की मेडिसिन हो, तो ये कन्फ्यूजन दूर हुआ। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए, तो देखिए ऐसा तो काफ़ी सारे सिस्टम्स में होता है, जैसे एलोपैथी की कोई मेडिसिन लिया आपने, जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, कोई आपने एंटीबायोटिक मेडिसिन लिया, और एंटीबायोटिक्स मेडिसिन लेने के बाद में कुछ ऐसे मेडिसिन इंट्रैक्शन होते हैं कि आप उसे नहीं ले सकते, कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, आप उसे नहीं ले, अगर आपने वो मेडिसिन ले ली तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। एंटीबायोटिक आपने पहले ले लिया और उसके बाद में अगर आप उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन वाली मेडिसिन ले लेते हैं तो फिर आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना, उसके जो अगेंस्ट होती है कोई मेडिसिन उसके साइड इफेक्ट्स को बढ़ा देती है कई बार, या उसके साइड इफेक्ट्स को कम कर देती है, तो ऐसी मेडिसिन आप नहीं ले सकते, तो वो तो एलोपैथी में भी है और आयुर्वेदा में भी है और तो होम्योपैथी में भी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा अंतर अगर आप लेके चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है, सारे मेडिसिनल सिस्टम जो होते हैं वो काम करते हैं, झूठा कोई नहीं है, और फिर
मानो तो पत्थर को भी भगवान मान सकते हैं, है ना, और नहीं मानो तो कहीं कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो मुझे लगता है कि होम्योपैथी और आयुर्वेदा और एलोपैथी की मेडिसिन में जो आपको अंतर रखना था वो आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम फिर से फर्दर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने वाले हैं, अगर आप देखना चाहें तो इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे नए चैनल पर जरूर जाइएगा, क्योंकि एलोपैथी से रिलेटेड वहाँ पर मैं बहुत अच्छे पोस्ट डालने वाला हूँ और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ। तो आप सभी के लिए जो एलोपैथिक मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं, एलोपैथी से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, लेक्चर्स लेना चाहते हैं, वो मुझे डॉक्टर ब्लॉग पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। फिर मिलता हूँ इसी तरीके से, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।